ड्राई बबल डिजीज इन बटन मशरूम। बटन मशरूम उगाते समय ड्राई बबल डिजीज क्या होती है या कैसे संक्रमित करती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। यह मशरूम की और प्रजातियों में भी हो सकती है, लेकिन मुख्यतः यह बटन मशरूम में ज़्यादा देखने को मिलती है। ड्राई बबल डिजीज के कारण बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि बीजाणु तेजी से फैलते हैं। आपकी पूरी नर्सरी में रोग के प्रकोप को रोकने के लिए पहले प्रभावित मशरूम को पहचानना और निकालना आवश्यक है। तो आप पहले संक्रमित मशरूम को कैसे हटाते हैं? बीजाणुओं द्वारा फैलाना। ड्राई बबल डिजीज बीजाणुओं द्वारा फैलता है। बीजाणु चिपचिपे होते हैं और किसी भी वाहक द्वारा फैलते हैं जिसका वे पालन कर सकते हैं या जिससे वे फैल सकते हैं, जैसे कि फार्म हाउस में जाने वाले लोग, मक्खियाँ, धूल, पानी आदि। प्रसार को रोकना। बीजाणुओं को फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि संक्रमित मशरूम को ढककर हटा दिया जाए। अल्कोहल या मिथाइलेटेड स्प्रिट जैसे कीटाणुनाशक से एक टिश्यू पेपर को गीला करें। बीजाणु गीले टिश्यू पेपर से चिपक जाएंगे। गीले टिश्यू को सावधानी से और धीरे धीरे संक्रमित मशरूम के ऊपर बिना किसी हलचल के रखें, जिससे बीजाणु उड़ जाएंगे। जब आप मशरूम को टिश्यू से ढक दें तो अपने हाथ को प्लास्टिक की थैली से ढके और अच्छी मात्रा में आसपास की मिट्टी के साथ मशरूम को उठा लें। संक्रमित मशरूम और आवरण वाली मिट्टी वाले बैग को अंदर से बाहर कर दें और इसे सील कर दें। संक्रमित मशरूम वाले बैग को ग्रोइंग रूम में छोड़ दें और ग्रोइंग रूम को स्टीम करने के बाद उसे डिस्पोज कर दें। ऐसी अन्य विधियां हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक की बोतल के साथ बोतल का बेस काट लें, बोतल को संक्रमित मशरूम के ऊपर रखें और उसमें नमक भर दें। आप जिस भी विधि का उपयोग करें, सुनिश्चित करें कि आप बीजाणुओं को नहीं फैलाते हैं। एक संक्रमित मशरूम पर पानी की एक बूंद से मशरूम से 1 मीटर से अधिक की दूरी पर अरबों जीवाणु फैल जाते हैं। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि पहले मशरूम के आसपास बहुत सारे मशरूम सूखे बुलबुले की बीमारी के पहले लक्षण दिखाते हैं। यह देखने के लिए कि क्या रोग फिर से प्रकट होता है, अगले कुछ दिनों के दौरान उस क्षेत्र की नियमित रूप से जांच करें जहां से आपने संक्रमित मशरूम को हटाया है। आगे इस चित्र में ड्राई बबल से संक्रमित मशरूम दिखाया गया है, अतः आप चित्र देखें और फर्क को महसूस करें। आगे और हम वीडियो लाएंगे जिसमें तरह तरह की बीमारियों के बारे में, मशरूम में होने वाले संक्रमण के बारे में हम चर्चा करेंगे। अतः हमारा चैनल देखते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। प्रिय मशरूम उत्पादक मित्रों, आज हमने आपको ड्राई बबल डिजीज के बारे में बताया तथा हम आगे इसी प्रकार के और भी वीडियो बनाते रहेंगे, जिसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। और सहयोग के रूप में वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो पसंद आने पर या कुछ भी पूछने के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। मशरूम के लिए हमारी कोई सलाह निशुल्क है और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिसका जवाब हम जरूर देंगे और वह भी निशुल्क है। अतः मशरूम से संबंधित आप कोई भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। और अब हमारी बिटिया वसुधा सिंह आपसे कुछ कहेंगी। सर,
सभी अंकल आंटी भैया दीदी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को लाइक करें। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अतः लाइक व सब्सक्राइब करने का सहयोग दें। धन्यवाद।